हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज सीक नॉलेज में। ये वाली ड्रेस लूँ या वो वाली, साइंस लूँ या कॉमर्स, किस कंपनी में काम करूँ, होम लोन लूँ या नहीं, इनसे मिलिए। ये हैं श्याम। ये जिंदगी के हर एक मोड में डिसीजन लेते वक्त काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। क्या आपकी सिचुएशन भी श्याम की तरह है? कोई बात नहीं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक सिंपल सा तरीका आज के वीडियो से हम सीखने वाले हैं। Excited? Then watch the entire video. And now let's start. Part 1: The Four Villains of Decision Making. हम जब भी कोई डिसीजन लेने से हिचकिचाते हैं तो हमारा सामना डिसीजन मेकिंग के चार विलन से होता है, जिनमें से पहला है नैरो फ्रेमिंग। हम में से ज़्यादातर लोग इस विलन का शिकार हैं। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त हम काफ़ी नैरो माइंडेड होते हैं। उस वक्त हम केवल सोचते हैं क्या हमें कोई चीज़ करना चाहिए या नहीं, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे कर सकते हैं और इसे करने के कौन से बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं, या फिर इसका कोई और दूसरा अल्टरनेटिव है या नहीं। एग्जांपल के तौर पे, मान लो आपको 1 करोड़ का नेटवर्थ अचीव करना है आने वाले 5 साल में, तो ये सोचने के बजाय कि मैं इसे अचीव कर पाऊँगा या नहीं, आपको सोचना चाहिए कि मैं कैसे 1 करोड़ का नेटवर्थ अचीव कर सकता हूँ और इसके लिए कौन से बेस्ट तरीके हैं। क्या ये सच में अचीवेबल है? अगर नहीं तो एक्चुअल में मैं कितना नेटवर्थ अचीव कर सकता हूँ आने वाले 5 साल में। दूसरा डिसीजन मेकिंग विलन है कन्फर्मेशन बायस। इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम में से कई लोग अपने लाइफ में कई बार डिसीजन लेते वक्त एक एंगल को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं, जिसपे हमारा बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा होता है और कंक्लूड कर लेते हैं कि यही सही है, बजाय दूसरे एंगल को जाने। एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो आपको शक है कि आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलके बियर पीता है और आपने गलती से एक दिन उसे बियर खरीदते भी देख लिया बियर शॉप से, और आपने वहीं कंक्लूड कर दिया कि वो सच में बियर पीता है एक एंगल को ध्यान में रखकर, क्योंकि आप एक सकी किस्म के इंसान हैं और आपका बिलीफ सिस्टम उस पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल बियर खरीद रहा था अपने दोस्तों के लिए। बिना पूरी जानकारी के अपना डिसीजन कंफर्म कर लेना काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है किसी के भी पर्सनल लाइफ में। आपने वो फेमस कहावत तो सुना ही होगा, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तीसरा डिसीजन मेकिंग विलन है शॉर्ट टर्म इमोशन। हम जब भी कोई अपने लाइफ का क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं तो हम उस डिसीजन को लेते वक्त शॉर्ट टर्म इमोशन से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं, जबकि हमें ऐसे मोमेंट में लॉन्ग टर्म के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर कोई भी क्रिटिकल डिसीजन लेना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो आपको 600 स्क्वायर फीट का घर लेना है लोन पे आपके नज़दीकी लोकेलिटी में और आपका मैक्सिमम बजट है 50 लाख रुपीज़ का, लेकिन आपके लोकेलिटी में उसका मार्केट रेट 60 लाख चल रहा है और आप केवल 30 लाख तक का ही लोन लेना चाहते हैं, कंसिडरिंग आपने 20 लाख का अरेंजमेंट ऑलरेडी कर रखा है। ऐसे में अगर आप वो घर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3 लाख का लोन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म इमोशन को ध्यान में रख के डिसीजन लेने के बजाय लॉन्ग टर्म के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या मैं वो एक्स्ट्रा 3 लाख का लोन लॉन्ग टर्म बेसिस पे बियर कर पाऊंगा या नहीं, और क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान है उसे पे करने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इमोशन को ध्यान में रख के डिसीजन लेने से जरूर आपको बहुत खुशी मिलेगी अपना घर लेके, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा डेट में जाके पछताना भी पड़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस, ये वर्ड पढ़ के तो आपको समझ ही गया होगा। हम में से कई लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होके बड़े डिसीजन बिना सेकेंड थॉट के ले लेते हैं, जिसका हमें आगे जाके काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो शेयर मार्केट, जो काफ़ी लोगों के हिसाब से एक सट्टा बाजार है, यस ये सही है उन लोगों के लिए जिन्हें शेयर मार्केट की समझ नहीं है कि वो कैसे काम करता है। मान लो किसी बंदे ने ऐसे ही अपने एक फ्रेंड के शेयर मार्केट के ज़बरदस्त अर्निंग को देखकर किसी शेयर में पैसा लगा दिया बिना किसी रिसर्च और एक्सपर्ट एडवाइस के। लकीली उसे फ़ायदा भी हो गया 20% का। ये देख उस बंदे का कॉन्फिडेंट बढ़ गया, इस बार उसने और पैसा लगाया और फिर से उसे 30% का प्रॉफिट हुआ। इस बार उसका कॉन्फिडेंस आसमान को छू गया। ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। उसने इस बार प्रीवियस अमाउंट से 4 गुना ज्यादा अमाउंट लगा दिया और उसी दिन सडनली शेयर मार्केट गिर गया और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद
जो इंसान कुछ दिन पहले प्रॉफिट होने के बाद शेयर मार्केट को पैसा कमाने वाला सोर्स समझ रहा था, अब शेयर मार्केट उसके लिए एक सट्टा बाजार हो गया था। कहते हैं ना, दुनिया में कई चीज ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, लॉजिक से चलती है। तो अब आप सोचते होंगे कि क्या इस फोर डिसीजन मेकिंग विलन से छुटकारा पाने का कोई सोल्यूशन है या नहीं। जी बिल्कुल है। ऑथर ने इस बुक में एक मेथड शेयर किया है, रैप। अगले वीडियो में हम इसी मेथड के बारे में जानेंगे कि कैसे हम फोर डिसीजन मेकिंग विलन से छुटकारा पा सकते हैं इस मेथड को अपने लाइफ में अप्लाई करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑलवेज सीक नॉलेज को, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करें फ्यूचर वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। आप ऑलवेज सीक नॉलेज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पे भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंस्पायरिंग एंड इन्फॉर्मेटिव बातें नए मेंटर के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग।